दोस्तों मैं जुबैर अली। इस वक्त इसराइल को घेरने का काम सारे अरबी देश कर रहे हैं। सारे अरबी देश ने मिलकर इसराइल के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है, इसराइल के लिए एक बड़ी चेतावनी दोस्तों रख दी है। सारे अरबी देशों की तरफ से एक प्रस्ताव इसराइल के लिए रखा गया है। इसराइल के सामने क्या प्रस्ताव रखा गया, चंद मिनटों में आप लोगों के सामने उस रिपोर्ट को रखूंगा। वहीं पर दोस्तों इसराइल ने अमेरिका से बड़ी बात कह दी है कि फिलिस्तीन का जो जिस तरह से राज्य की बात की जा रही है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य बन जाए, फिलिस्तीन एक स्टेट बन जाए, उसको लेकर इसराइल की तरफ से बड़ी चेतावनी अमेरिका को दे दी गई है। यमन के हूतीस ने रशिया और चीन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है कि लाल सागर के अंदर रशिया के और चीन के हवाई जहाजों के लिए बड़ी खबर यमन के हूतीस की तरफ से निकल के आ रही है। वहीं पर दोस्तों इंडिया के अंदर से तकरीबन 10,000 लोगों को इसराइल ले जाया जाएगा। इसराइल के लिए हमारे इंडिया के लोग काम करेंगे। तकरीबन 10,000 लोगों की यह बात बताई जा रही है कि 10,000 लोग इंडिया के अंदर से इसराइल जाएंगे। आखिर वो इसराइल जाकर क्या करेंगे, ये बड़ी बड़ी खबरें चंद मिनटों के अंदर सारी खबरों से आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सच दिखाते हैं और सारी रिपोर्ट के आधार पर आप लोगों को रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके अंदर सारे अरबी देश इस तरह की बात इसराइल से करते हुए नजर आ रहे हैं। अरबी देशों ने इसराइल से क्या डिमांड रखी है और क्या शर्त की है, आप लोग स्क्रीन पर इसको पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अरब देश फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने के लिए इसराइल और पश्चिमी देशों को एक समझौते की पेशकश करते हैं। यदि इसराइल सहमत होता है तो यह सौदा इसराइल और सऊदी अरब के बीच औपचारिक संबंध स्थापित कर सकता है। अगर जिस तरह से यह प्रस्ताव इसराइल के सामने रखा गया, अगर इसराइल इस समझौते पर जो है राजी हो जाता है, इस समझौते को एग्री कर लेता है, तो सऊदी अरब या अरबी देश जितने भी हैं सब के सब दोबारा से इसराइल से अपने संबंध बरकरार कर लेंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं पर दोस्तों जब अरब देशों की तरफ से इस तरह की बात इसराइल के सामने कर दी गई तो इसराइल ने साफ तौर पर अमेरिका से कह दिया। अमेरिका से उसने जो बात कही है वो शायद मुझे नहीं लगता कि ये बात अमेरिका से कही गई है, बल्कि ये तो सीधे तौर पर सारे अरबी देशों से कही गई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये बात इसराइल ने अमेरिका से कही है। क्या बात कही है आप लोग स्क्रीन पर ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने साफ तौर पर अमेरिका से ये बात कही है। जैसे ही अरबी देशों का ये बयान आया तो नेतन्याहू ने ये कहा कि मैंने अमेरिका को सूचित किया कि मैं युद्ध के बाद किसी भी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के खिलाफ हूं, यानी कि या फिर ये युद्ध खत्म करने की जो लोग बात कर रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद किसी भी तरह से फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा, एक स्टेट बन जाएगा, तो मैं इसके खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह से फिलिस्तीन एक आजाद देश हो या फिर वो अपना खुद का एक स्टेट बने। तो उसने अमेरिका से ये बात कह दी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अरबी देशों की तरफ से ये बयान आया, उसके तुरंत बाद उसने कहा कि मैं अमेरिका को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि युद्ध के बाद किसी भी तरह से एक जो है फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के मैं पूरी तरह से खिलाफ हूं कि एक फिलिस्तीन स्टेट बने, यानी कि मैं टू स्टेट फॉर्मूलों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं पर दोस्तों यमन के हूतीस की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर जहाजों को जिस तरह से निशाना बनाना शुरू किया हुआ है, पूरी तरह से सारे यूरोपीय कंट्री यमन के सामने थर थर कांपने का काम कर रही थी दोस्तों, क्योंकि लाल सागर के अंदर से हर एक उस जहाज को निशाना बनाया जा रहा था जो इसराइल तक जा रहे थे। तो यमन के हूतीस ने चीन के अंदर और रूस के जो चीन के जहाज जो चल रहे हैं और रूस के जो जहाज लाल सागर के अंदर चल रहे हैं, चीन और रूस से बड़ी बात कह दी है। उसने उन लोगों से जो है वादा कर दिया है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि यमन के हूतीस ने लाल सागर में रूसी और चीनी जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग का वादा किया। चीन और रूस से यमन के हूतीस ने वादा कर दिया कि अब तुम्हारे जहाजों को हम लाल सागर के अंदर अपना निशाना नहीं बनाएंगे, तुम्हारे लिए लाल सागर का हर मार्ग जो है सुरक्षित है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन रख दी कि इसराइल तक कोई जहाज नहीं जाएगा, चाहे वो रशिया का हो चाहे वो चीन का हो, कोई जहाज आज भी इसराइल तक नहीं जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग रोक करते हैं कि आखिर इंडिया के 10,000 लोग जो है आखिर इसराइल क्यों जाएंगे। यह खबर हम आपको अपने पास से नहीं बता रहे, बल्कि मीडिया खुद इस बात को चीख चीख कर बता रहा है कि इसराइल के अंदर इंडिया के तकरीबन 10,000 लोगों को भेजा जाएगा। इंडिया के तकरीबन 10,000 लोग इसराइल के अंदर जाकर काम करेंगे, इसराइल के लिए काम करेंगे। ऐसे वक्त में इंडिया के नागरिकों को इसराइल के अंदर भेजना, जिस वक्त इसराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है,
इसराइल और यमन के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। ऐसे वक्त में अपने जो इंडिया के नागरिक हैं उन लोगों को इसराइल भेजने का आखिर मकसद क्या है, आखिर क्यों इसराइल इस तरह से नागरिकों को भेजा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग रुख करते हैं कि आखिर इसराइल इन नागरिकों को ले जाकर इसराइल के अंदर क्या करेगा। तो आज तक की इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए, जिस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल जो है 10,000 नागरिकों को, इंडिया के जो नागरिक हैं उनको ले जाने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को आप लोग पढ़ सकते हैं, आज तक की ये रिपोर्ट है, हिंदी में है, आप लोग गौर से सुनिए और गौर से पढ़िए। इसराइल में नौकरी के लिए टेस्ट देने रोहतक पहुंचे कई राज्यों के युवक, लाखों में मिलेगी सैलरी और सुविधाएं। इसराइल में नौकरी के लिए हरियाणा समेत कई राज्य के युवक रोहतक पहुंचे हैं, यहां इसराइल की टीम युवाओं की भर्ती कर रही है। नौकरी के लिए पहुंचे युवाओं ने कहा कि बेरोजगारी में उन्हें काम मिले और सैलरी भी ज्यादा मिले तो इससे अच्छा और क्या होगा। वहीं इसराइल में युद्ध होने को लेकर युवाओं ने कहा कि मौत तो यहां भी आ सकती है, हमें डर नहीं लगता, इस तरह की बात वहां के युवा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आगे देखिए, भारत सरकार और इसराइल के बीच रोजगार को लेकर हुए समझौते के बाद हरियाणा सरकार ने 10,000 बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा की थी। अब इसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इजराइल में नौकरी के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। यह भर्ती 6 दिन तक चलेगी। युवाओं का टेस्ट लेने के लिए इजराइल से टीम आई हुई है जो परीक्षण कर रही है। इजराइल में शटरिंग, पेंटर और खेती के काम के लिए यह भर्ती की जा रही है। इसराइल में नौकरी पाने के लिए युवाओं में काफ़ी उत्साह दिख रही है। यहाँ परिणाम से ही नहीं बल्कि पंजाब, यूपी, राजस्थान के युवक भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हरियाणा से ही नहीं और बाकी सब जगह से लोग आ रहे हैं। इस भर्ती में हरियाणा के युवाओं का प्राथमिकता दी जा रही है। इसराइल में युद्ध चल रहा है फिर भी युवा इसराइल में नौकरी करना जाना चाहते हैं। इन युवाओं का कहना है कि यहाँ रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के कारण वह इसराइल में जाना चाहते हैं। आप लोग गौर दीजिएगा, जो है साफ तौर पर मीडिया भी इस बात को छाप रही है कि इंडिया के अंदर अब रोजगार नहीं है, इसलिए वो इसराइल के अंदर जाना चाहते हैं। कुछ अन्य युवाओं ने कहा कि मौत तो आनी है, आके ही रहेगी, तो यहाँ भी आ जाएगी, वहाँ सैलरी ज़्यादा मिल रही है, उन्हें कोई डर नहीं है, वे इसराइल में नौकरी करना जाना चाहते हैं। भारत सरकार भेज रही है, आगे वहाँ पता चलेगा वहाँ लाखों में सैलरी मिलेगी या फिर हज़ारों में मिलेगी। असल में दावा यह किया जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो इंडिया की सरकार जो है वो इन 10,000 लोगों को एक ऐसे वक्त में जो इसराइल और हमास, ईरान और यमन के बीच में इसराइल पूरी तरह से घिरा हुआ है, ऐसे वक्त में अपने नागरिकों की जानबूझकर जो है वहाँ पर जान खतरे में डाली जा रही है। यहां से तकरीबन 10,000 लोगों को इसराइल ले जाने की बात कही जा रही है कि इसराइल की एक टीम जो है हरियाणा के अंदर जो है रोहतक के अंदर आई हुई है और वहां पर वो परीक्षण कर रही है कि कौन लोग जो है इसराइल के अंदर काम कर सकते हैं, यानी कि इसराइल के अंदर काम करने की क्षमता उन किन लोगों के अंदर है, इस तरह का टेस्ट वहां पर किया जा रहा है। वहीं पर गांव सवेरा करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी एक वीडियो के जरिए से यह खबर शेयर की है कि हमास के साथ चल रहे युद्ध के कारण इसराइल के निर्माण क्षेत्र में मजदूरी की भारी कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा ने 10,000 कुशल श्रमिकों की भर्ती करने की तैयारी में जुटी है कि 10,000 लोगों को इसराइल भेजा जाए। हमारे इंडिया के नागरिक इसराइल के अंदर जाकर मजदूरी करेंगे। इस बात को साफ तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इंडिया के अंदर अब रोजगार नहीं बचा है, इसलिए यहाँ से वहाँ की केंद्र सरकार, हरियाणा की केंद्र सरकार जो है इसराइल के अंदर 10,000 नागरिकों को भेजने पर आमादा हो चुकी है और लोग वहाँ पर जा भी रहे हैं शौक से। बताया जा रहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है इच्छुक हैं कि वो इसराइल के अंदर जाकर वहाँ पर मजदूरी करें। अपने देश के अंदर काम नहीं होता लेकिन दूसरे देशों के अंदर ये लोग काम करने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर सरकार को घेरने का काम करते हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी दोस्तों कि किस तरह से अरबी देशों ने इसराइल के सामने प्रस्ताव रख दिया कि 2 नेशन फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर ले, यानी 2 स्टेट बना दे, यानी कि फिलिस्तीन अलग एक स्टेट बन जाए, इसराइल अलग एक स्टेट बन जाए। लेकिन अब जो है इसराइल इस बात को पूरी तरह से नकार चुका है कि मैं किसी भी तरह से इस बात के खिलाफ हूँ जो एक फिलिस्तीन, स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना की जाए। तो अब देख रहे हैं ये है कि जिस तरह से अरबी देश बार बार इसको धमकी दे रहे हैं, ये जिस तरह के प्रस्ताव इसके सामने रख रहे हैं, पता नहीं अरबी देशों की ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी है जो उसके सामने सिर्फ प्रस्ताव रखने पर मजबूर हो रहे हैं, आखिर उस पर कोई कड़ा फैसला नहीं ले पा रहे। अब जिस तरह से इसराइल के अंदर 10,000 नागरिक दोस्तों भेजे जा रहे हैं, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।